वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ चिकन टिक्का बटर मसाला की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट साइज, जो कि घर में बहुत ही इजीली और घर में ही अवेलेबल सारी चीज़ों से बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल ऑसम होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून दही, 1 टी स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और आधी नींबू के रस को हम डाल देंगे और ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बेसन, स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे फ्रेंड, और इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो आप ना डालें, पर इससे इसका कलर अच्छा आएगा। इसे मिलाने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रेंड्स। अब हम अपने बटर मसाला की ग्रेवी को तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड कर देंगे। हमें गर्म मसाला को तकरीबन 8 से 10 सेकंड के लिए भूनना है, जब तक कि ऑयल में इनका सारा फ्लेवर ना आ जाए। देखिए फ्रेंड, कुछ सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 रफली कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने मीडियम साइज का लिया था फ्रेंड। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज हल्का चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टमाटर और 10 से 12 काजू को, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर करके पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रेंड, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा कर एक पेस्ट के रूप में अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। चलिए तब तक हम अपने टिक्का को तैयार करते हैं। यहाँ मैंने ग्रिल पैन लिया है और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल कुकिंग ऑयल, और ऑयल के गर्म होने के बाद फ्रेंड हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सारे चिकन को। फ्रेंड, अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप ये सेम प्रोसेस कढ़ाई या तवे पे भी कर सकते हैं। हमें अपने चिकन को मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए और ये चिकन 80% कुक ना हो जाए और इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर आना चाहिए। मीन्स हमारा चिकन बिल्कुल टिक्के की तरह दिखना चाहिए। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से। फर्स्ट हम इसे चिकन को ऐड कर हम इसे 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए, हमारा पानी बहुत अच्छे से निकल चुका है बाहर। अब हम इसे खुले में ही अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से सेकेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम लो रहेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा पानी पूरी अच्छी तरह से सूख चुका है, और अब हम इसे अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए सेकेंगे और इसे तब तक सेकेंगे जब तक कि हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए और चिकन में अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। हमें टिक्का को तैयार करने में फ्रेंड तकरीबन 15 से 16 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा टिक्का बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। इसे हम इसी तरह खा सकते हैं पुदीने की चटनी के साथ। तो चलिए अब हम बटर मसाला की ग्रेवी तैयार करते हैं। देखिए, मैंने सेम पैन लिया है फ्रेंड। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज पत्ता, और इसमें ऐड कर देंगे हम अपने सारे मसाले को जो हमने ग्राइंड करके रखा था, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंड। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड, हमें नमक ध्यान से डालना है क्योंकि चिकन में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंड, और इसे कवर करके हमें भुनना है तब तक जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुके हैं और मसाले का कलर भी बहुत अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड अपने चिकन टिक्का को। ऐड करने के बाद फ्रेंड हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाते हुए भूनना है मीडियम हाई फ्लेम पर। इसे मिलाने के बाद फ्रेंड हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर।
रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें फ्रेंड्स, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे मिलाने के तकरीबन एक मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के आसपास पानी। ये मैंने वो पानी यूज़ किया है फ्रेंड जो मसाले को पीसने के बाद मैंने लिया था। देखिए पानी को मिलाने के बाद हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। 2 मिनट बाद देखिए फ्रेंड ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 हरी मिर्च। मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा लिया था फ्रेंड, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद फ्रेंड हम इसे फिर से कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड ऑयल बहुत अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए भुनेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट बाद फ्रेंड हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंड्स। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे कवर करके पकने देंगे। और देखिए तकरीबन 2 मिनट के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है। हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने घर की मलाई इस्तेमाल की है फ्रेंड, हम इसमें 2 टेबलस्पून भर भर कर घर की मलाई डालेंगे, और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा चिकन बटर मसाला अभी से ही कितना रिच और क्रीमी और डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड। घर की मलाई से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद फ्रेंड हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के करीब पानी, और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और फ्लेम को लो कर इसे इसी तरह से पकने देंगे जब तक कि ऑयल हल्का सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड हल्का हल्का ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून शुगर, और इसे कवर करके पकने देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद देखिए शुगर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून बटर। बटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं फ्रेंड। और इसे इसमें हम ऐड कर देंगे अब 4 हरी मिर्च को, जिसे मैंने बीच से चीरा लगा लिया है, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब होगा क्या फ्रेंड, हमने इसमें क्रीम डाला, काजू डाला, शुगर भी ऐड किया है और बटर भी। इससे इसमें हल्का टैंगी और मीठा भी टेस्ट आएगा, और ये लगेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अब हम इसे कवर कर देंगे, और देखिए 2 मिनट के बाद तैयार है हमारा चिकन बटर मसाला। अब हम इसे धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे, और फ्लेम को ऑफ कर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो रेडी है हमारा टेस्टी डिलीशियस चिकन टिक्का बटर मसाला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगती है। ये देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया।